नमस्कार, मैं कृष्ण आर्या एडवांस भारत न्यूज से, और आज हम पहुंचे हैं जिला बागपत में। ये गांव कौन सा है? ताऊ जी हमारे बीच में खड़े हैं, मैं इनसे जानेंगे। और पिछले कम से कम 10-15-20 सालों से जितने भी आसपास में आवारा गाय हैं उन सब की सेवा ये करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ, और किसी से कोई चंदा नहीं, किसी से कुछ नहीं। हम इससे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? रविंद्र सिंह राणा। रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह जी, आपका गांव कौन सा है? मेरा प्रॉपर गांव तो धनोरा सिल्वर नगर है, यहाँ नजदीक पड़ता है 4 किलोमीटर जी। बाकी ये बिलोचपुर है जहाँ मैं रहता हूँ। हमें आस पास में पता लगे कि आप पिछले 10-15 साल से ज्यादा गाय की सेवा कर रही है, तो ये प्रेरणा आपने कहाँ से ली? ये प्रेरणा तो ऐसे तो पारिवारिक है, मेरी जी किसान है हम भी जी। दूसरे गौ माताएं हैं, पहले मेरे पास थी, फिर ये आसपास के गांव से छोटी मोटी जिनको भी कोई निकाल दे, बुढ़िया गायें या किसी को चोट लग गई, ऐसी गायें मेरे पास आती रही और मैं इनकी सेवा करता। ज्यादा से ज्यादा आपके पास कितनी गाय हुई? 15-20 20-30 तक भी हो जाओ। 20-30 तो यहाँ रखते हो? हाँ। और बाकी जो घूम के आ जाओ, भट्टे पे घूम ले, इधर घूम ले, शाम को सब इकट्ठी हो जाओ। हाँ। और इनमें से जो ठीक ठाक हो, कोई किसी को बांध भी ले, जो ठीक हो जाए दूध दे लगे तो कोई लोग बांध भी ले। बाकी जो दूध नहीं देती, जो बिल्कुल ये मान के आवारा पशु है, इसकी कोई सेवा नहीं करेगा, बेचारी घूम फिर के आ जाओ। आप यहाँ इनका जो चारा है या घास है उसका किस तरह किसी से सहयोग लेते हो या खुद करते हो? कोई सहयोग नहीं लेता किसी से। अच्छा। या तो खुद काट के लाए या अपना खेत है उसमें से लाऊंगा या आसपास में से यहीं से काट लूंगा, कुछ ही अपना पेट घूम के भर लें थोड़ा बहुत आसपास, तो यही चलता रहे, या भूसा है तो फिर अपने आप खरीद के लाऊंगा, किसी से कुछ नहीं। आपके भी परिवार होगा? हाँ, मेरा भी। तो आपने जिस तरह लोगों ने कहा था कि ये बच्चों के लिए कम करता है और गौ माता के लिए ज्यादा करता है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? बस ठीक है जी, गौ माताओं की, गौओं की सेवा है, चीज है हमारी। तो बच्चे पढ़े लिखे हैं? बच्चे हाँ पढ़े लिखे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, कोई एक बेटा है एक बेटी है। पढ़े लिखे होंगे दोनों? हाँ दोनों पढ़े लिखे। बढ़िया। कितना पढ़ाई? बेटा भी करता है। अच्छा। बेटा भी आता है, हाथ बटाते हैं, हाथ बटाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अच्छा। तो आपका है कि जो पूरा जीवन है गौ माता की सेवा में निकल गया? बस गौ माता की सेवा करनी है आगे भी, हमें तो ये तो संकल्प है। अच्छा, संकल्प है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने देखा है कि आसपास में जितने भी गायें होती हैं, आवारा गायें हैं, वो सब शाम को यहाँ पे आ जाती हैं, और पिछले 10-15-20 सालों से ये इन गायों की सेवा करते हैं, बिल्कुल अच्छे से सेवा करते हैं। और आप देख ले, नजदीक से ही देख ले, ऐसी कोई गाय नहीं है बिल्कुल जो कमजोर हो या बिल्कुल चल रही हो गया नहीं हो, और ऐसी भी गाय आपके पास आई होगी जिनको दवाई वगैरह दिलवाई कुछ नहीं? दवाई का चलन है, दवाई रखी है, दवाइयां देता हूँ जी, ज्यादातर तो देसी दवाई इस्तेमाल करता हूँ। कभी कभी चोट भी लग जाए, कोई चोट मार दे, आप देख भी रहे हैं जो गाय है आवार है, ये देखो ये आ रही है, और वो देखो पीछे सांड भी है, गौशाला में सांड को बिल्कुल रख सकते नहीं है, लेकिन ये गौशाला नहीं है, ये अपने खुद की जो जगह है इनकी भट्टे पे, यहाँ पे ये इनकी सेवा करते हैं। और क्या दवाइयों के लिए आप डॉक्टर बुलाते हैं? डॉक्टर किसी का मन करे आ जाओ, वैसे दिलवाते जो है जो ज्यादा हो जाते बुलाते हो डॉक्टर को भी? दवाइयाँ से मैं अपने पास रखते हो? अपने पास रखते हैं, कुछ दवाइयाँ जो इमरजेंसी की है जरूरत की है आप रख ले। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने देखा भी है जितने भी आवारा गाय हैं आना शुरू हो गई हैं, और ये देखो बिल्कुल शरीफ हैं, इनको बिल्कुल अच्छी तरह, ये देखो ये डर रही है थोड़ा सा, एक ये रही है, और बाहर की अभी आना शुरू हो गई है, और ऐसे गौ भगत है कहीं कहीं मिलते हैं, और जो माँ बाप का संस्कार है कहीं ना कहीं इनके अंदर वो भी आपने देखा है, इनकी बचपन से ही जो गौ माता की सेवा करने की इच्छा है, ये देखो उधर देखो एक बार, देखो बिल्कुल प्यार करते हैं, ये देखो इनके पास, ये देखो अपने आप चल के आ जाते हैं, थोड़ा सा हम खड़े हैं इसलिए चल पड़ेंगे। ये देखो ये गाय आना शुरू हो गई है,
ये 30-40 के आसपास गायें हो जाती हैं शाम तक। और यदि कोई भी साथी इनका सहयोग करना चाहता है, गौ माता का सहयोग करना चाहता है, स्क्रीन पर हम आपको नंबर भी देंगे, और कोई चारा देना चाहता है या इनको खाने या कोई भी मतलब खाने पीने की चीज़ गाय को देना चाहता है, गुड़ देना चाहता है, वो भी दे सकता है। स्क्रीन पर हम इनका आपको नंबर भी देंगे, गांव कौन सा है, जिला कौन सा है, ये भी हम आपको लिख देंगे। और फिर किसी ताज़ा खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज़, हरियाणा।